अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और लच्छेदार अंडा पराठा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं पराठे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त पराठे बने हैं। बहुत ही क्रिस्पी हैं और बहुत ही डिलीशियस हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और इजी से पराठे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा 2 कप। आधा किलो ये मैदा है। इसमें हम 1 टीस्पून या हसबे जायका नमक शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद 1 कप गर्म पानी हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो पानी। थोड़ा सा गर्म पानी हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आटे को हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अगर आपको लगे कि पानी कम हो रहा है तो आप हाथों को गीला करके इसको गूंद सकते हैं। वैसे इसमें 1 कप पानी बिल्कुल परफेक्ट है। 1 कप से ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो डो जो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। डो के ऊपर 1 टीस्पून हम ऑयल लगाएंगे और इसे ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और आटा हमारा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट डो तैयार हुआ है हमारा पराठों के लिए। थोड़ा सा हम इसे गूंथेंगे और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट डो हमारा तैयार है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने के लिए हम सरफेस पर थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाएंगे। आधा किलो मैदे से तकरीबन 4 पराठे बनेंगे। इस तरह से गोल गोल पेड़े हमने बना लेने हैं थोड़ा सा खुश्क आटा या मैदा लगाते हुए। तो 4 बराबर साइज़ के पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब हम एक एक पेड़े को बेल लेंगे। पेड़े को हमने अच्छी तरह से बेल लेना है, पतला, बहुत ही पतला करके। जितना हो सके आपने पेड़े को फैलाना है और इसको पतला करना है। पेड़े को बहुत अच्छी तरह से आपने फैला लेना है और जितना हो सके इसको आपने पतला बेल लेना है। अब हम इसके ऊपर मेल्ट किया हुआ घी लगाएंगे। घी लगाना ज़रूरी है क्योंकि इससे पराठे बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि हम घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं लेकिन बेहतर यही है कि आप घी का इस्तेमाल करें क्योंकि इससे पराठे बहुत ही खस्ता बनते हैं। घी को अच्छी तरह से फैला के हम इसके ऊपर लगा लेंगे। थोड़ा सा खुश्क मैदा हम इसके ऊपर छिड़केंगे और थोड़ी सी कलौंजी हम इसके ऊपर छिड़केंगे। हसबे जायका आप इसके ऊपर कलौंजी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। बस अब हम इसको अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे। एक तरफ से पकड़कर इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड कर लेने के बाद इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे। इस तरह से प्रेस करने के बाद इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा घी लगाएंगे मेल्ट किया हुआ और घी के ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा हम डस्ट करेंगे। और अब हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये हमारा एक पेड़ा बन गया है। देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है और इसके जो साइड्स हैं इसको फैलाकर हम ऊपर और नीचे इसको इस तरह से रखेंगे और सिक्योर कर लेंगे। तो ये एक पेड़ा हमारा तैयार है। इस तरह से बाकी सारे पेड़े हम बना लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे तकरीबन 4 अदद अंडे। क्योंकि 4 पराठे हैं तो मैं 4 अदद अंडे ले रही हूँ।
अंडों में हम हसबे जायका नमक शामिल कर रहे हैं, तकरीबन आधा टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, आप हसबे जायका ऐड कर सकते हैं। एक टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। अगर आप मिर्चों को स्किप करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से अंडों को हम फेंट लेंगे और इसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से एक या दो बारीक चॉप करके ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें हरा धनिया तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऐड करेंगे चॉप किया हुआ। और ये अंडे का मिक्सचर हमारा तैयार है। अब हम इसे साइड पर रखेंगे। थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करते हुए हम पेड़े को बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं बेलना, देखें इस तरह से होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना आपने इस पेड़े को, इस तरह से पराठे हमने बेलने हैं। और बस अब हम इसे कुक करेंगे। यहाँ पर तवे को मैंने लो फ्लेम पर गर्म कर लिया है, फ्लेम लो पर होना चाहिए। पराठे को हम सिर्फ 1 मिनट के लिए एक तरफ से कुक करेंगे। इसके ऊपर अभी हमने ऑयल नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना हमने इसके ऊपर। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, तकरीबन 1 मिनट हमने एक साइड से कुक कर लेना है। और अब हम इसकी साइड टर्न करेंगे, दूसरी साइड से भी हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए इसे पका लेना है लो फ्लेम पर। इसके ऊपर कलर नहीं आना चाहिए, देखें इस तरह से ये होना चाहिए। इसी तरह सारे पराठे हम बना लेंगे और इसे साइड पर रखते जाएंगे। यानी कि इसे आपने हाफ कुक करना है, देखें इस तरह से। और इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो आप इन पराठों को ठंडा करके फ्रीज भी कर सकते हैं। अंडा पराठा बनाने के लिए हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे तवे के ऊपर, फ्लेम हमारा लो पर है। तो पहला तरीका ये है कि आप अंडा लेंगे तकरीबन आधा कप, यानी कि एक अंडा तकरीबन बनता है, इस तरह से आप फैला के डालेंगे तवे के ऊपर। और इसके ऊपर अब हम पराठा रखेंगे इस तरह से। पराठे के ऊपर थोड़ा सा ब्रश की मदद से ऑयल लगाएंगे या फिर घी भी लगा सकते हैं। साइड को टर्न करेंगे, दूसरी साइड से भी हम ऑयल लगा लेंगे। और दोनों तरफ से अच्छी तरह से कलर आ जाने पर हम पराठे को डिश आउट करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल आपने नहीं लगाना, हल्का हल्का दोनों तरफ से आपने लगा लेना है ताकि पराठे का अच्छी तरह से कलर आ जाए और पराठा क्रिस्पी हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये ज़बरदस्त सा पराठा हमारा तैयार है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से पराठे को तवे के ऊपर रखेंगे और ब्रश की मदद से आप इसके ऊपर ये अंडा लगाएंगे। अंडे का जो मिक्सचर हमने बना के रखा हुआ था, ये आप ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा सकते हैं इस तरह से। साइड टर्न करेंगे, एक तरफ से देखिए कलर आ गया है तो मैंने साइड टर्न कर लिया है। और इसके ऊपर भी हम ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा करके ऑयल लगाएंगे। पहले एक साइड से लगाएंगे, फिर टर्न करके अंडे वाले साइड से भी लगा लेंगे। देखिए अंडा कुक हो गया है, तो अब हम इसके ऊपर भी इस तरह से ब्रश की मदद से या फिर चम्मच की मदद से आप ऑयल लगा सकते हैं। थोड़ा सा प्रेस करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने पराठे को सेंकना है, पकाना है। और देखिए ये ज़बरदस्त सा फूला हुआ पराठा हमारा तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और डिलीशियस पराठे हमारे तैयार हैं। तो आप भी इस तरह बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। ये देखें यहाँ पर मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखें ज़बरदस्त सा पराठा तैयार है, बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही डिलीशियस है। ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके लच्छे बने हैं। लच्छेदार पराठा अंडे वाला तैयार है। आप ही से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो इस तरह पराठे बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और जब चाहें अंडा फेंट कर आप इसके ऊपर लगाकर आप इसे बना सकते हैं और ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं, बच्चों को बनाकर लंच बॉक्स में दे सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सी रेसिपी आप सब लोग को ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे थम्स अप दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद टेस्टी, डिलीशियस और इजी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।